So one of the advantage of cost accounting is it helps in knowing profitable and unprofitable product or even service also. Second advantage is once we are aware about a profitable and unprofitable product, if possible, we will try to improve our efficiency. That means we will try to improve, try to reduce the cost, which will help us in improving the profitability. जब कॉस्ट का डेटा आपके पास होगा, सभी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट का आपके पास डेटा होगा, तो आप डिसीजन ले पाओगे कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है. एंड दैट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. अगर कोई आप टेंडर फिलअप कर रहे हो, न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे बहुत सारे टेंडर्स आते हैं जिसमें गवर्नमेंट होती है या तो बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो उनका कुछ काम करवाने के लिए टेंडर पब्लिश करते हैं. तो इफ यू आर इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस, यू कैन सबमिट योर टेंडर बेस्ड ऑन योर कॉस्ट एस्टिमेट्स. और जब टेंडर आपको देना है तो आपको उस तरीके से टेंडर देना है कि जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है जिसने टेंडर पब्लिश किया है, वो वही उसी इंसान को अपना बिजनेस देगा, अपना बिजनेस का प्रपोजल सबमिट करेगा जिसकी कॉस्ट कम होगी, जो उसको कम कॉस्ट में अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बना के देगा या तो उसका काम करके देगा. फोर्थ पॉइंट, फ्यूचर में हमारी क्या प्रोडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट कम आए, वो डिसीजन हम कॉस्ट अकाउंटिंग से ले सकते हैं. कॉस्ट को कंट्रोल करके हम हमारे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कहाँ पे कितनी आ रही है और कौन सी कॉस्ट हम कम कर सकते हैं. पीरियोडिकली यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया जाएगी कॉस्ट अकाउंटिंग में ताकि आपको पता चले प्रॉफिट और लॉस, और आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपके पास होंगे, मटेरियल की कॉस्ट का डेटा आपके पास होगा, वर्कर्स के वेजेस की कॉस्ट का आपके पास डेटा होगा, दूसरे जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है उनकी कॉस्ट का डेटा आपके पास होगा, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए और लॉस आप कम कर पाओ. वर्कर्स के लिए हम लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे. तो लेबर कॉस्टिंग इज हेल्पफुल अस इन डिसाइडिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. नाउ लेट अस थिंक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. ऐसे तो लिमिटेशंस में बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट यहाँ थ्री मेन लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज गिवन. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, इट इज एक्सपेंसिव. क्यों एक्सपेंसिव है? तो सबसे पहले तो आपको एक अलग अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट. उसकी सैलरी का एक अलग से एक्सपेंस होगा. सैलरी के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस किसी एम्प्लॉय के अपॉइंट करते हैं तो वो होता है, और किसी एक बंदे से काम नहीं होगा. वी हैव टू प्रिपेयर अ टीम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. अगर आपका यूनिट बड़ा है, आप ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप किसी अकाउंटेंट से हेल्प नहीं ले सकते हो. आपको खुद को आपकी फैक्ट्री के लिए, आपके बिजनेस प्रीमाइसिस के लिए अलग से अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ेगा. और चीजें यहाँ पे बताइए कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो होगा उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है सारे कॉस्ट के डेटा का, सारे एक्सपेंसेस का, एलोकेशन, एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, रिक्वायर्स अ बिग अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क एंड एडिशनल मनी. फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो होता है हमारा, जो मेन अकाउंटेंट, वो तो खाली रिकॉर्ड करता है, पर कॉस्ट अकाउंटेंट को पूरा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है कि अलग अलग प्रोडक्ट में कौन सी कॉस्ट लगती है. सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड कीपिंग इन माइंड द टाइम, इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस. देयर आफ्टर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिकंसिलेशन. रिकंसिलेशन क्या होता है?
कि अब आपके पास आपके बिजनेस यूनिट में दो अकाउंटेंट हो गए, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो गया, दूसरा होगा कॉस्ट अकाउंटेंट। फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना प्रॉफिट बताएगा कुछ अलग, कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रॉफिट कुछ अलग आएगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट और लॉस शोन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट एंड द फाइनेंशियल अकाउंटेंट। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसमें भी टाइम जाता है। एक्चुअली दिस चैप्टर इज नॉट कवर्ड इन अवर सिलेबस, बट देयर इज वन चैप्टर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटेंट जो है, जो आप यूनिट सेमिस्टर वन में पढ़ चुके हो, तो उसने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी, और उसके हिसाब से उसने जो प्रॉफिट का डेटा दिया होगा, उस डेटा को कंपेयर किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंट ने जो अपना प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट बनाया होगा, और उसके हिसाब से हमें रिकंसिलेशन करना पड़ेगा कि वाई देर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। Why duplication? Because we have to appoint two people. One is financial accountant and dusra cost accountant. So it involves duplication of work as the organization has to maintain two sets of account, financial account and cost account. तो limitations ऐसे तो कुछ है नहीं, पर just बताने के लिए ले लिया है। अगर आपको आपके business के cost कम करनी है तो definitely you have to appoint cost accountant. You have to take the help of the cost accountant. No doubt it is expensive process. It involves duplication of the recording data, but it has some benefits. Okay. Now, यहां से हमारा थोड़ा practical portion start हो रहा है। आपको इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आगे जाने वाले जितने भी chapters होगी इसमें ये सारी चीजें आएगी। जो भी एक्सरसाइज होगी उसको समझने के लिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें आपके माइंड में क्लियर है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो कॉस्ट में क्या आता है? तो देखो, अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले तो आएगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, उस मटेरियल की कॉस्ट, जिसे बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। Examples are given. अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, आप रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हो, तो उसमें जो कपड़ा लगता है, क्लोथ लगता है, वो एक मटेरियल है। इफ यू आर इन द शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यू आर मैन्युफैक्चरिंग द शूज एंड चप्पल्स एंड सैंडल्स एंड एवरीथिंग, सो उसमें जो लेदर लगता है या तो और कोई मटेरियल से जो आप शूज बनाते हो, वो मटेरियल कॉस्ट होगा। रेडियो बनाते हो या तो साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग है या तो टू व्हीलर स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं वो मटेरियल है। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें जो मटेरियल लगता है, उस मटेरियल की कॉस्ट को डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला जाएगा। ये तो हो गया मटेरियल का कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट क्या आती है? तो हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो वर्कर्स को जो आप पेमेंट करोगे उसे बोला जाएगा वेजेस। सो लेबर एंगेज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, एनालिसिस, ये सारे लोग जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उनके वेजेस की कॉस्ट, ये हो गया डायरेक्ट वेजेस, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो मशीन्स के ऊपर काम करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनके वेजेस की कॉस्ट, ये हो गया डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। That is one type of labor cost. फिर है direct expense. Material के अलावा भी बहुत सारे दूसरे expenses production के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि traveling का expense है, आपने material purchase किया है, उस अगर बाहर से लाया है तो excise duty pay करना पड़ता है, royalty on production, अगर किसी product कि प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉयल्टी देना है तो रॉयल्टी आएगा, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है।
तो तीन तरह का एक्सपेंसेस होगा. एक होगा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होगा डायरेक्ट वेजेस और तीसरा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट. नाउ देयर आर सम इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिनको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेशन नहीं है बट दे आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोडक्ट. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा. देखो इनडायरेक्ट मटीरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. यही तीनों चीज ऊपर थी, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. अच्छा, ये जो इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसे ओवरहेड कहा जाएगा. दिस इज नोन एज ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. तो इनडायरेक्ट मटीरियल कैसा लगता है? जो किसी एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ा है पर उस प्रोडक्ट के लिए जरूरी है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स, कॉटन, कॉटन वेस्ट, ऑयल, स्टेशनरी, मशीनरी आप यूज करते हो तो उस मशीनरी में जो भी लुब्रिकेंट्स यूज होगा या तो वेस्ट कपड़ा जो यूज होगा मशीन के क्लीनिंग के लिए या तो और कुछ काम के लिए या तो कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टेशनरी यूज होगा या तो जो ऑयलिंग आपको करना पड़ता है मशीन में, तो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होता है. उस मशीन पे तो बहुत सारी प्रोडक्ट बनती है, इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएगा. जैसे कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पे जो मशीन्स होगी तो उस मशीन्स को ऑयलिंग करना पड़ता है. तो ऑयल आपने परचेस किया तो वो एक किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ा है, वो मशीन के साथ जुड़ा हुआ है और उस मशीन से आप बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो वो मटेरियल तो है पर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है. उसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर, तो सैलरीज एंड वेजेस पेड टू द फॉरमैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, ये लोग भी फैक्ट्रीज में काम करते हैं. फैक्ट्री सुपरवाइजर जो प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ा है, स्टोर कीपर जो प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स है उसको स्टोरेज में रखेंगे तो उसका स्टोर कीपर होगा, उसकी सैलरी. फॉरमैन होगा जो टेक्नीशियंस होते हैं, जब मशीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो जो फॉरमैन हमने अपॉइंट किया है तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं. सो इनको जो पेमेंट करना है दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो इनको क्या हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ. बहुत सारी प्रोडक्ट बनाई है, जब मान लो मैंने चार प्रोडक्ट बनाई है ए बी सी डी और मेरा ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर और इसका एक्सपेंस आ रहा है मान लो 4,000 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा इन चारों प्रोडक्ट में 1,000 रुपीज इक्वली में उसका अप्रोप्रिएशन कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा. बट नो डाउट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट. सो इस तरीके से देर आर टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं. सॉरी थोड़ा मीटिंग छूट गया था.